ओम शांति। आप सभी कोई भी यदि नजर पर विश्वास करता है और नजर उतारता है, तो अभी तक आप नजर उतारा करते थे और आप अलग अलग तरीके से नजर उतारने का जो अलग अलग तरीका सब अपना अपने तरीके से उस अपना करके उसे उतारा करते थे। आज से आप उसी प्रकार नजर उतारिए, लेकिन आज से नजर उतारने का नहीं, नजर लगाने का आप कार्य शुरू करें। आप अपने आप को नजर लगाएं, अपने परिवार को नजर उतारते समय नजर बंद करें, और वह किस तरह से करेंगे तो देखिए, नजर यूं तो आपके शरीर को तो लगती नहीं है, नजर आपके गुणों को या आपके जो किए गए आत्मा के द्वारा कार्य हैं उसे लगती है। बीमारी भी इस शरीर के द्वारा आत्मा को ही कष्ट पहुंचाती है, कोई भी डर होता है वह भी शरीर के द्वारा आत्मा को ही होता है, कोई भी परेशानी होती है इस शरीर के द्वारा आत्मा को ही होता है। अभी तक आपने बहुत सारे तरीकों से अपने अपने फैमिली में, अपने अपने परिवार में, अपने बच्चों का अलग अलग तरीके से इस नजर को उतारने का तरीका करते होंगे, कोई कपड़े से, कोई मिर्ची, कोई नमक से, कोई अलग अलग तरीके से दिए से रख के लोटे में रख के, मतलब बहुत सारे डिफरेंट हैं, अनेक अनेक तरीके हैं। तो नजर तो देखिए यूं यदि मैं कहूँ तो लगती है, लेकिन आपके शरीर को नहीं, आपकी आत्मा के गुणों को और आपकी हरकतों को जो आत्मा करती है उसे लगती है। कई कई बार इस बात से भी लोग नजर लगाते हैं कि यदि आप किसी कार्य में सफल हो रहे हैं और यदि कोई असफल है तो वह आपको, आज के समय में मैक्सिमम यही होता है कि यदि आपको सफलता की ऊंचाई पर कोई नहीं देख पा रहा है, आपको अच्छे पोस्ट पर कोई नहीं देख पा रहा है, तो वह आगे नहीं बढ़ना चाहते बल्कि आपको उतारने के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो इस तरह से आपके ऊपर कोई जो है बैड एनर्जी या इस तरह से कुछ होता है, वही सब आपकी आत्मा में आकर के हावी हो जाती है, जिससे जो नकारात्मक सोच होती है। जैसे कि हम क्या करते हैं, ये कुछ भी नहीं है, ब्लैक मैजिक, ये नजर, ये सब जो चीजें होती है ना, कम समय में अधिक प्राप्ति, कम समय में सामने वाले को कैसे हम ना बढ़ के उसे उस जगह से नीचे उतारने की कोशिश में लगे रहते हैं और उसी सब के लिए ये ब्लैक मैजिक और ये सब करते हैं। तो हम यहाँ वैसे नजर की बात कर रहे हैं, अपने बच्चों की, अपने घर में, अपने परिवार में हम कहते हैं कि नजर लग गई होगी, ये बहुत हरकतें करता है तो इसके लिए इसको लग गई होगी। तो हम क्या करते हैं, उतारने के समय अलग अलग सबके तरीके हैं। तो जब हम बत्ती या कोई मिर्च या नमक या शक्कर या झाड़ू, जिससे भी आप उतारते हैं, तो हम उसको उतारते समय जैसा भी कोई सराउंडिंग हेड के चारों तरफ घुमाता है, फिर एक उल्टा फेरा लेता है, कोई कोई फिर ऊपर से नीचे करता है, फिर एक अपोजिट फेरा लेता है, उल्टा फेरा लेता है, ऐसे करके, लेकिन आपके अंतर मन में अलग अलग विचार जो रिपीट करते हैं कि इसकी लगी, उसकी लगी, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे कर करके हम अलग अलग साउंड का वो करके फिर नजर उतारते हैं। आज से हम वह नहीं करेंगे। आप आज से यह करिए, जब भी आप किसी भी चीज को लेकर हाथ में रख करके जब ये सराउंडिंग साथ फेरे लगाते हैं नजर को, चाहे किसी को कुछ परेशानी है, थोड़ा सिर दर्द है या कुछ भी इस तरह का परेशान जब व्यक्ति होता है या बच्चे होते हैं घर में कोई होता है, तो हम यह कार्य जरूर करते हैं। तो आप इन चाहें तो इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं, आप नोट डाउन कर लें या फिर ये वीडियो सेव करके रख लें, तो इस वीडियो में आपको परेशानी नहीं होगी बार बार ढूंढने में। आप लिख लीजिए, लिखना बेटर रहेगा। आप कभी भी जब भी उतारते हैं नजर, तो आप इस बात को रिपीट करते हुए उतारिए।
मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, क्योंकि नजर शरीर को नहीं लगती है, आत्मा को लगती है, और मैं आत्मा स्वयं परम पिता परमात्मा की परम प्रिय आत्मा हूं। आज से मेरे ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरे सर्वशक्तिमान पिता की नजर लगी है, उनकी नजर मुझ पर पड़ी है, और उनकी नजर में मैं नजर बंद हो गई हूं। आप खुद के लिए करें, आपके घर में किसी व्यक्ति के लिए करें, आप बच्चे के लिए करें, आप बूढ़े के लिए करें, किसी के लिए भी करें, तो वो जो आप सराउंडिंग में जो फेरा डालते हैं, जो 7 times करते हैं, तो उस 7 times आप यही बार बार रिपीट करें कि आज से मैं नजर किसकी लगी, यह बात नहीं, आज से हम इस बात को रिपीट करेंगे कि नजर हमारे स्वयं परमात्मा ईश्वर की लगी है, और उसके सुरक्षा कवच में ये आत्मा एकदम निरोगी है, सदैव उनके सुरक्षा कवच में ये आत्मा 24 घंटे शक्तिशाली, निरोगी, सफल और शांत आनंद से भरपूर है। इसको कोई परेशानी, कोई मुश्किल, कोई भी बात इसे छू भी नहीं सकती, क्योंकि अब इस आत्मा को उस परम आत्मा, उस सुप्रीम रूहानी सर्जन, उस सफलता के सागर, उस दाता विधाता परमात्मा की नजर जो इस पर पड़ी है, अब ये नजर का जो कवच है, इस कवच के अंदर कोई भी बैड एनर्जी, कोई भी आसक्ति, कोई भी असफलता, कोई भी रोग, कोई भी दुख, कोई भी दर्द, कोई भी परेशानी इस शक्तिशाली कवच के घेरे को क्रॉस करने से पहले ही नतमस्तक होकर के वह बिल्कुल विदा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब नजर मुझे मनुष्यों की नहीं, कोई मुश्किलों की नहीं, कोई बैड एनर्जी की नहीं, बल्कि प्योर एनर्जी, एवर प्योर रहने वाले परमपिता परमात्मा की, सर्वशक्तिमान की, उस वैद्यनाथ की, उस रूहानी वैद्यनाथ की नजर इस आत्मा को लगी है, और ये ऐसी नजर है जो कभी भी किसी दूसरे की नजर इस पर पड़ने ही नहीं दे सकती। इस तरह से आप करके देखिए, ये आजमाया हुआ है। जब भी मैं भी इस बात पे विश्वास करती हूँ, मैं भी नजर उतारती हूँ, लेकिन मैं इन संकल्पों के साथ वह फेरे को लगाती हूँ। और आप यह कोशिश कीजिए कि यदि आप घर में अपने बच्चों की या किसी की भी जब भी नजर उतारते हैं, तो एक टाइम में 3 नजर उतारिए। आप एक बार कोई मिर्ची ले सकते हैं, कोई शक्कर या नमक या कुछ भी ऐसा ले सकते हैं आप, और उससे 3 में एट द सेम टाइम आपको 3 उतारनी है। और 3 में भी, जैसे मान लीजिए बच्चा कोई बात से बीमार है, खाना नहीं खा रहा है या जो भी कुछ है, तो फिर उस तरह के आप संकल्प क्रिएट करते जाइए और वो फेरा लेते जाइए, और उसमें आप मूंझिए मत, आप फुल कहना चाहिए कि पूरे विश्वास के साथ आपको यह सब करना होता है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो फिर क्या होता है, कई बार बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, वो घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो उनसे कहीं ज्यादा दुखी हम हो जाते हैं, लेकिन उनको दुखी देखकर आपको दुख हो जाए तो फिर उनको करने वाला उनको कौन समझाएगा, उनको कौन यह बात समझाएगा कि दुखी होने से दुख दूर नहीं होते हैं। उसमें आपको आत्मबल बना करके रखना पड़ता है, आपको शक्ति बनाकर, आपको उस परमात्मा की नजर पर विश्वास बनाकर रखना होता है कि उसकी नजर हमारे ऊपर पड़ी है, तो ये बिल्कुल चुटकियों की बात है, ये 1 में ये खत्म हो जाएगी। आप जब बलवान बनेंगे तभी आप सामने वाले बच्चे को भी बलवान और बलशाली और उससे उसे निजात दिला पाएंगे।
तो आप कभी भी दुख में दुखी होकर के शामिल मत हुई, बल्कि उसके दुख को कम करने की शिव शक्ति बन करके उस बच्चे के लिए जो जगत माता जगदम्बा बनने का कार्य कीजिए। और जगत माता जगदम्बा सबके दुख हरती हैं, शीतल शीतला माता, विघ्न हरता, विघ्न विनाशिनी, विघ्न हरता गणेश। तो इस तरह से अपने आप को विघ्नों को हरने वाली आज से यह नजर का तरीका अपनाइए। आपसे आपको बृहस्पति की नजर लगी है और वो बृहस्पति बृहस्पति की दशा हम पर बैठी है, जो परमपिता परमात्मा ईश्वर है। उसके नजर में नजर बंद हम सब परिवार की एक एक आत्मा उसके सुरक्षा कवच में है, और वो सुरक्षा कवच को कोई भी टच कर ही नहीं सकता। कोई भी मुश्किल आती है लेकिन वो आपको छूकर निकल जाती है। ओम शांति।